हर जिंदगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 5 म्यूजियम्स के बारे में, क्योंकि म्यूजियम्स आज और कल के बीच की वो कड़ी होती है जो हमें अपने इतिहास से रूबरू कराती है। नंबर 1, शंकर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित शंकर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम को मशहूर कार्टूनिस्ट शंकर पिल्लई ने बनाया था। यहाँ आपको देसी विदेशी हर तरह की डॉल्स देखने को मिलेंगी। नंबर 2, नेशनल रेल म्यूजियम। दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है नेशनल रेल म्यूजियम। इसका निर्माण ब्रिटिश वास्तुकार M.G. सेटो ने 1957 में किया था। ये रेल म्यूजियम हमें रेल के 140 साल के इतिहास के बारे में बताता है। नंबर 3, सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट। दिल्ली में ही मौजूद सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट अपने आप में एक अनोखा म्यूजियम है, जिसे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने साल 1992 में बनाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार स्वच्छता आजादी से ज्यादा जरूरी है से प्रेरित होकर इस म्यूजियम की स्थापना लोगों को टॉयलेट का इस्तेमाल कर स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से की गई थी। नंबर 4, कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल। अहमदाबाद में स्थित इस म्यूजियम को श्री गौतम साराभाई और उनकी बहन गीरा साराभाई ने साल 1949 में बनवाया था। यहाँ भारत में मुगल युग के दौरान बने प्राचीन कपड़ों से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों के कपड़े उद्योग की प्रगति के बारे में दर्शाया गया है। नंबर 5, इंडियन म्यूजियम। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित इंडियन म्यूजियम भारत के सबसे फेमस म्यूजियम में से एक है। अगर आप प्राचीन वस्तुओं, युद्ध सामग्री, गहने, कंकाल, मिस्र की ममी और मुगल चित्र जैसी चीजें देखना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी स्थापना डॉक्टर नथानियल वालिक नाम के डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री ने साल 1814 में की थी। तो अगर आप भी अपने इतिहास को जानना और समझना चाहते हैं, तो एक बार इन म्यूजियम्स को देखने जरूर जाएं।